बार फिर से देशभक्ति जनसेवा का दम भरने वाली पुलिस पर फिर से आरोप लगे हैं। इस बार यह आरोप जनसुनवाई में पहुंची एक महिला ने लगाए। दरअसल जनसुनवाई में पहुंची महिला ने बताया कि उसके जेठ सफरुद्दीन के द्वारा उसके साथ मारपीट लगातार की जा रही है और उसके पति पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत लेकर वह हनुमानताल थाने पहुंची, लेकिन वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला के पति ने बताया कि थाना प्रभारी ने सफरुद्दीन से पैसे लेकर उसके साथ न्याय नहीं किया, बल्कि जब वह रिपोर्ट लिखाने गई तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके बाद आज वह अपनी शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां पर पीड़िता ने अपनी शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय को सौंपी और उचित कार्रवाई करने की मांग की। मेरा जेठ से सफरुद्दीन बिल्डर साथ मेरे साथ मारपीट करते हैं, आए दिन मारता, मेरे घर में खाई हड्डी गोदाम में रहती, वहाँ मारता है मेरे को आके, मेरे पति पर फर्जी केस लगाता है और FIR थाने में जाने पे उल्टा FIR मेरे ऊपर कर दी गई। कहाँ रहता है ये? सिविल लाइन में रहता है। आपका नाम? मेरा नाम अनुमान मैं शेख असलम। ये शेख सफरुद्दीन बिल्डर जो है आए दिन हमारी बीवी को घर में घुस के मारता है, रहता है सिविल लाइन में, और अभी दो तीन बार मार चुका है, इसके ऊपर मामले दर्ज हैं और ये इसकी इज्जत से खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आज हमारा मोहल्ला साथ ना देता तो ये जान भी ले लेता, और उल्टा ही TI साहब ने इससे पैसे 50-60 हज़ार रुपये लेके इस महिला को इतनी गंभीर चोट होने के बाद भी पूरी FIR महिला के ऊपर लाद दी है हमने। ऐसा कौन सा कानून है जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और महिलाओं के ऊपर TI थाना प्रभारी सोनी साहब जो है थाना हनुमानताल के जिला जबलपुर के, इन्होंने पूरा बिल्डर से पैसे लेके इस महिला के ऊपर केस लाद दिया। आज हम पूरे मोहल्ले के लोग आए SP साहब के पास कि हम लोगों को इंसाफ चाहिए, बिल्डर का पैसा चलेगा का, ये भ्रष्टाचारी कहाँ की चलेगी। इतनी चोट होने के बाद, गंभीर चोट आने के बाद, उस बिल्डर ने उल्टा ही महिला के ऊपर FIR दर्ज करवा दिया, गैर जमानती FIR। शेख सफरुद्दीन उर्फ बंटू नाम है, थाना सिविल लाइन के सामने उसका सुप्रीम पिला दिया है। आपका नाम? मेरा नाम शेख असलम है।